गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं हेयर कट, तो सिंपल हेयर कट करेंगे। स्ट्रेट बाल जो करते हैं ना बैक साइड पे, सर वो सिंपली हम आज आपको सिखा रहे हैं और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी सिखाते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब टू इट। तो सबसे पहले हम लोग इसको जो है ना स्प्रे कर लेते हैं, बालों को गीले कर लेते हैं। हाँ, बालों को स्ट्रेट बोल रही हूँ, गीले कर लिए हम लोग, बिल्कुल कम किया, ज़्यादा नहीं किया, तो इसको कॉम कर लेते हैं। और भी हेयर स्टाइल्स होंगे तो हम आपको बताते रहेंगे। अभी फ़िलहाल सिंपल ही एमरजेंसी में जो हम कर सकते हैं वो आपको दिखा देंगे। जो आपको कुछ ना पता हो या कुछ नहीं आता हो, सिंपली आप इसको कर पाए जो कर पाए। तो पहले सिंपल करते हैं फिर आगे चलते हैं। ज़्यादा बाल काटते हैं थोड़े, सही। तो सबसे पहले हम इसको कॉम कर लेंगे, बालों को अच्छे तरीके से गीले कर लिए हैं। और इसको कंघा कर लेते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो बस इसको कंघा करके ना हमारी कटिंग स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप घर पे किसी की भी इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। और मैं बड़ी इजी टेक्निक से आपको बता रही हूँ ताकि आपको ईजी रहे और आप ईजीली घर पर भी इसको कर पाएँ। हम ईजीली ऐसा करते हैं कि बालों को बिल्कुल ऐसे कॉम किया और सीधी मांग निकाली और काट देते हैं, पर ये इसका सही तरीका नहीं। इसमें बाल थोड़े ऊपर नीचे रह ही जाते हैं, सही कटिंग होती नहीं। तो सही तरीका जो है ना, इस तरीके से आपने करना है। पहले बालों को सेपरेट करना है, सामने वाले बालों को आगे कर लें और इसी के साथ दूसरी साइड के भी बालों को ना आप आगे कर लें, ठीक है। अम्मी के बालों पे हम डाई शाई करेंगे, अभी हम बस सीधी से आपको कटिंग दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी रह गए हैं पीछे के बाल, और इनको हम क्लिप से जो है ना वो आप इनको बंद कर लें बालों को, ताकि वो डिस्टर्ब ना करें आपको। और पीछे से भी हम इसी तरीके से सेशन करेंगे। चलें जी, ये भी सेशन साथ साथ चल रहा है, क्योंकि हम थोड़े से बाल नीचे के जो बाल है ना, पहले उसको यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़े थोड़े उन्हीं को लेते हुए जो है ना कटिंग करते जाएंगे, ठीक है जी। तो बस सबसे पहले हमारा सेशन हम लोगों ने इतना ले लिया है, और इसी को पहले हम कट करेंगे। बहुत कम पानी लगाया था मैंने, ज़्यादा बालों को गीले नहीं किए, नॉर्मल रखा है, ठीक है। इन बालों को भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। आप कैचर की मदद से इसको कवर कर लें, जिस भी तरीके से करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। चलिए जी, तो बस इसको थोड़ा सा और दूसरी साइड पे भी कर लेते हैं बालों को। बहुत ध्यान से आपने देखना है। तो उसके बाद हमने सेंटर वाले ले लिए हैं बाल, और सबसे पहले हम इसको काटेंगे। जहाँ पे आपको लगे कि बाल थिन हो रहे हैं वहाँ से आपने काट देने, और आप चाहें तो क्लाइंट से भी पूछ सकते हैं कितने काट लें या ना काटें। और उसके अलावा जो है ना, आपने आपकी अपनी मर्ज़ी के अलावा आपने देखने बाल डैमेज कहाँ से कहाँ तक के हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है ना उसको कट कर लेना है। क्लाइंट को बता दें कि, या फिर अपने जो घर पे आपने किसी के करने हैं तो उसका भी जो है ना आप देख लें, ताकि बाल हेल्दी लगें। लोग कहते हैं लंबे बाल चाहिए, लंबे बाल चाहिए, और बिल्कुल थिन होते हैं, बहुत बुरे लगते हैं, वॉल्यूम आ जाएगी ऐसे बालों से, बालों के साथ। तो जो हमने सेंटर से कटिंग की थी उसके अकॉर्डिंगली हम जो है ना दूसरे बालों को लेते जाएंगे, और सेंटर से भी थोड़े से बाल लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली कटिंग करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। तो सेकेंड स्टेप भी हम ऐसे ही करेंगे, जो हमने ऊपर बाल बांधे थे उनको नीचे करेंगे एक साइड से, और उसको भी जो है ना थोड़ा सा गीला करके, और इसके अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे कट। तो ये बस आपने सिंपली इस तरीके से करना है, थोड़े थोड़े बाल ऊपर से लीजिएगा और काटिएगा, ताकि आपको आसानी से कटिंग हो जाए। बिगनर होंगे तो कम बाल लीजिएगा, ताकि ईजीली आप काट सकें। देखिए कितना अच्छा लुक आया, और कितना जो है ना वो घने बाल लग रहे हैं। तो इसी तरीके से आपने बालों को काट लेना है। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, और आपने बस जो आपने सबसे पहले कटिंग की थी उसके रिकॉर्डिंग भी आपने सारी मेजरमेंट लेते हुए। तो इस तरीके से आपने पहली मेजरमेंट जो आपने की थी, पहला बाल जो काटे थे आपने सेंटर से, उसी के रिकॉर्डिंग लेते हुए आपने दूसरे बालों को काट लेना है उसकी हेल्प की मदद से, ताकि सारे बाल आपके बराबर हैं। इसी तरीके से हम फ्रंट के बाल भी कट कर लेंगे। तो बस ये सिंपल सा हमारा हेयर कट हो चुका है। बस कटिंग करें और इन्जॉय करें अपना बालों को। थिक बाल आपके लगेंगे, हेल्दी लगेंगे, क्योंकि वो जो होते हैं ना बिल्कुल नीचे पूंछ टाइप के बाल, वो बहुत बड़े लगते हैं, बुरे लगते हैं। ये सिंपली बस कट हो चुके हैं हमारे, स्ट्रेट बाल हमने काटने थे। देखें सारी चीज़ें, मतलब सारे बाल बराबर ही कट हुए हैं। तो आप इस तरीके से हेयर कट कर सकते हैं सिंपली, या आप किसी और का ही कर सकते हैं, घर पे अपना नहीं कर सकते। आप चाहें तो इनको बालों को स्ट्रेट करके भी देख सकते हैं, पर हम इनको सिंपली अभी ऐसे ही छोड़ेंगे, छोटी वीडियो बनाने के लिए, ताकि लोग इजीली चीज़ों को समझ पाएँ।